हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उज़्मास किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन मंडी। उसके लिए ले लिया एक बाउल, उसमें डाल दिया एक चम्मच मिर्च पाउडर, डेढ़ चम्मच मंडी मसाला, स्वाद अनुसार नमक और सूखा अदरक का पाउडर और थोड़ा सा तेल और एक नींबू अच्छे से निचोड़ लिया है। थोड़ा सा तेल मतलब एक बड़ा चम्मच से थोड़ा सा कम, आधा चम्मच से ज़्यादा, और ऐसे डाल दिया। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम एक एक करके चिकन पीस डाल के अच्छे से पूरा मसाला अच्छे से चिकन को मेल्ट हो जाए वैसे लगा लेंगे। मैरिनेट करने में अच्छा लगे इसलिए एक एक पीस लेंगे। देखिए मसाला ज़्यादा भी नहीं लगेगा इसमें, थोड़ा थोड़ा करके पूरा अच्छे से। मसाज नहीं करते छोटे बच्चों के लिए, वैसे कर दीजिए। मंडी में ना बड़े बड़े पीस ही अच्छे लगते हैं। अभी इन सब को मैरिनेट होने के लिए लगभग मैं पूरा ओवरनाइट रख रही हूँ। आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 3 घंटे तो रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 3 घंटे नहीं रख सकते तो आप 2 घंटे तो अच्छे से उसको फ्रीज़र में रख दीजिए। मैं तो ओवरनाइट रख ली थी। उसके बाद ले लिया मैंने एक पतीला, ले लिया उसके अंदर 2 कटोरी पानी डाल दिया। हम लोग चिकन को स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए ले लिया मैंने इस छन्नी टाइप का बाउल। उसके अंदर पूरा चिकन रख दिया, जो बचा हुआ चिकन से निकला हुआ पानी था उसको भी डाल के इसको अच्छे से 15-20 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम करेंगे। और एक बार हम लोग इसको चेक भी कर लेंगे बीच में, क्योंकि दूसरे साइड टर्न करना पड़ता है। ये देखिए चिकन कितना अच्छे से स्टीम हो रहा है। हाँ, मैं आप लोगों को बता ही नहीं थी ना मंडी मसाला क्या है। मंडी मसाला के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, जो साबुत गरम मसाले होते उसको डाल दिया, लेकिन उसके अंदर तेज़पत्ता नहीं यूज़ किया। बाकी सारे गरम मसाले यूज़ किया था उसको, बस मैंने ना रोस्ट किया ना कुछ भी नहीं किया, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, बाकी कुछ नहीं। देखिए पूरा भी चिकन एक साइड से अच्छे से स्टीम हो चुका है, हम दूसरे साइड से कर लेंगे। चिकन अच्छा स्टीम होने के बाद हम इसको एक फ्राई पैन पे इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। पहले थोड़ा सा धीमे आंच में, फिर उसके बाद हाई फ्लेम में, जिससे उसका स्मोकी फ्लेवर आ जाए। स्मोकी फ्लेवर, ये देखिए अब चिकन को चेक कर रही हूँ, अच्छे से स्टीम हो गया चिकन। अब एक पैन लेके उसके अंदर एक बड़ा चम्मच तेल डाल के इसको पहले लो फ्लेम में उसके बाद हाई फ्लेम में अच्छे से रोस्ट कर लिया है। उसके बाद एक और बर्तन लेके उसके अंदर डाल दिया मैंने बटर, काशू और थोड़े से बादाम। यहाँ पे आप लोग किशमिश भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे स्पेशली किशमिश अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने डाला नहीं है। अगर आप लोगों को फ्राइड किशमिश अच्छा लगता है तो आप लोग यूज़ कीजिए। उसी बटर के अंदर हमने डाल दिया 2 मीडियम साइज़ कटे हुए प्याज, उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर डाल दिए थोड़ा स्वाद अनुसार नमक, 2 स्पून गरम मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट। उसके बाद डाल दिया मंडी मसाला, उसके बाद डाल दिया जो हम लोग चिकन स्टीम करने वक्त पानी डाला था वो पानी, और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक अभी भी चेक करके डाल लीजिए। आप लोग एक बात अच्छे से ध्यान में रखिए, पानी एकदम अच्छे से बॉईल होना चाहिए। एकदम अच्छे से बॉईल होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे चावल। अभी मैंने चावल डाल दिया है, और चावल डालने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स करके फिर रख देंगे। हाँ, पानी का क्वांटिटी नहीं बताई थी ना,
आप लोग अपने चावल के हिसाब से आप लोग पानी लीजिए। जैसे अगर बासमती राइस लोगे तो 1 ग्लास के लिए 1.5 ग्लास पानी डलता है। मुझे जो मैंने चावल लिया था उसके लिए 1.5 ग्लास से ज़्यादा पानी पकड़ता है, इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी रख लिया। उस हिसाब से आप लोग पानी मैनेज कर लीजिए। देखिए चावल 60% पकने के बाद इसके अंदर मैंने काजू और बादाम डाल के और चिकन रख के अच्छे से दम के लिए रख दिया। ये देखिए अच्छे से दम हो गया। दम करने के लिए एकदम मैंने नीचे एक दूसरा पैन रख के उसके ऊपर पतीला रख के दम कर लिया। अभी इसको अच्छे से ढक के रख देंगे। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ओपन किया था, लेकिन आप लोग बिल्कुल ओपन मत कीजिए। कम से कम 15 मिनट इसको दम करने के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि 7 मिनट इसको धीमे आंच पे, सॉरी 7 मिनट हाई फ्लेम में और 8 मिनट लो फ्लेम में करना पड़ता है। उसके बाद मैं चाकोल को अच्छे से गर्म करके एक कटोरी के अंदर डाल के उसके अंदर घी डाल के हम लोग ढक के रख देंगे। ढक के कम से कम 5 मिनट रखिए, उसके बाद आप लोग गर्मा गर्म सर्व करके खाइए। आप लोग घर पे बना के देखिए आप लोगों को कैसा लगता है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।